खरगोन के माइक्रो आर्टिस्ट अशोक गर्ग ने फिर अपने माइक्रो आर्ट की कलाकारी से 6 mm के पतंग, 15 इंच की डोर और 1 इंच के पतंगबाज को बनाकर पतंगबाजी के शौक में चाइनीज मांझे का उपयोग न करने का संदेश दिया है। माइक्रो आर्टिस्ट अशोक गर्ग ने वर्ष 2015-16 में 3 विश्व रिकॉर्ड माइक्रो आर्ट कलाकृतियों में हासिल कर खरगोन का गौरव बढ़ाया था। वहीं विश्व में सबसे छोटे गणेश प्रतिमा बनाकर स्थापना कराई, जो अपने आप में न केवल अचंभित कर देने वाली कृति रही बल्कि आज भी कालका मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र है। इस सूक्ष्म गणेश मूर्ति को दूरबीन की सहायता से देखना पड़ता है। 65 वर्षीय अशोक गर्ग PhD विभाग के रिटायर्ड इंजीनियर है। 3 बेटियों के साथ पत्नी भी इनके माइक्रो आर्ट से काफी खुश है। वहीं स्थानीय लोग भी इन कलाकृतियों को काफी सराह रहे हैं। माइक्रो आर्ट की इन कृतियों से अमूमन सामाजिक संदेश देने का प्रयास रहता है। 6 mm की पतंग को एक तार से जोड़कर उसी से 1-1 इंच का पतंगबाज बनाया है। पतंगबाजी करता है यह पतंगबाज मकर संक्रांति पर पतंगबाजों को चाइनीज मांझे से पतंग नहीं उड़ाने के संदेश को लेकर बनाया है। चाइनीज मांझे से पक्षियों के साथ बच्चों और बड़ों तक के साथ हादसे हो चुके हैं। ऐसे में आम जन ऐसे खतरनाक जानलेवा मांझे का उपयोग ना करें। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। एक तो मकर संक्रांति पर्व है और मैं माइक्रो आर्ट करता हूँ, तो मैंने सोचा कि छोटी से छोटी एक पतंग बना के बताएं लोगों को। तो एक मैंने 1 इंच का जो है आदमी बनाया, एक तार का सिंगल, और एक पतंग बनाई है जो करीब करीब 5 से 6 mm की है। तो मेरा मकसद यही था कि एक पतंग उड़ती बड़ी अच्छे से बने वो दिख रही है, और लोगों को ये इसके द्वारा ये माध्यम से ये भी बताना चाह रहा हूँ कि मांझे का उपयोग न करें, जिससे कि गर्दन कटती है और कुछ जख्म होते हैं लोगों को, तो कम से कम वो नहीं हो और उसका आनंद ले सकते हैं। इसके पहले भी आपने माइक्रो आर्ट किया? हाँ, इसके पहले मैंने, मेरा लिम्का बुक में है और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैंने सबसे छोटी बांसुरी 2 इंच की बजने वाली बजाई और 8x8 mm की शतरंज और 7 mm के गणेश जी, जो सब दुनिया के सबसे छोटे गणेश जी हैं जिनकी पूजा आज भी मंदिर में हो रही है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं। क्या मैं अशोक कुमार गर्ग। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।